अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। चिकन कोरमा जो है बनाने के लिए हमें जिस जिस मिक्सचर का जो है काम होगा या जो जो मिक्सचर हम डालेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे आप प्रेस करें। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है प्याज कट करेंगे, जो कि प्याज जो है ये कट हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं प्याज जो है वो कट हो रहे हैं। चिकन जो है वो हम लोगों ने ली है, इसको धो के अच्छी तरह साफ़ करके हमने जो है चिकन रख दी है, ये अब आप देख सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, कट हो रही है। आज हम अपना चिकन कोरमा जो है वो हम बना रहे हैं मटकी की हांडी में। ये आप देख रहे हैं हमारी मटकी की हांडी, इसके अंदर हम बनाएंगे चिकन कोरमा। और हांडी को जब हम हांडी में अपना खाना बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है वो अलग ही होता है। तो आज हम अपना जो खाना बनाएंगे चिकन कोरमा वो हम बनाएंगे मटकी की हांडी से। जी जना, तो जो है कुकिंग की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने ये देखे मटकी की हांडी में जो है ऑयल डाला है, ये देख रहे हैं आप ऑयल, ये हमने ऑयल डाला है। अब जब तक ऑयल गर्म हो रहा है उसके बाद हम प्याज डालेंगे। दरअसल ये मटकी की हांडी जो है वो हम लोग को गिफ्ट मिली है। अमूमन ज़्यादातर मटकी की हांडी में जो है ना लोग गाँव वगैरह के जो होते हैं ना वो ज़्यादातर मटकी की हांडियों में खाना बनाते हैं। तो हम लोगों ने भी आज सोचा चलो मटकी की हांडी में खाना बना के इसका टेस्ट देखते हैं। वैसे सुना है कि टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब देखते हैं, हम भी खा के देखते हैं जायका जो है वो कैसा आएगा इसको बनाने के बाद। तो हम जो है जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो जाए तो हम फिर जो है प्याज डालेंगे। जी, तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं प्याज। प्याज डालने के बाद चम्मच चलाएँगे और ये प्याज को हम डार्क ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि प्याज को फिर ऑयल से निकालने के बाद हम जो है इसके अंदर उसको हम फिर पीसेंगे। तो ये प्याज जो है जब तक डार्क ब्राउन हो रही है, आप ये देख सकते हैं ऑयल के अंदर प्याज हैं और ये डार्क ब्राउन हो रही है। और ये देख रहे हैं आप कि जो है दही है, दही के अंदर अब हम डालेंगे ये शान दही के अंदर हमने डाला है शान कोरमा मसाले का पैकेट। अब हम इसको जो है इसको मिक्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इसके अंदर हम घर का थोड़ा बहुत मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला है इसमें सूखा साबुत, सूखा गरम मसाला, धनिया, सूखा धनिया, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्ची, साबुत गरम मसाला। साथ साथ हम जो है अपने प्याज को भी देखेंगे। ये हो चुका है जो आप देख रहे हैं। ये जो हमने मसाले डाले थे आप लोग को अभी जो मिक्सचर बताया था दही के अंदर, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप, अच्छी तरह से ये जो है मिक्स हो रहा है। जी, आप ये देख रहे हैं मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये प्याज जो है हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, ये प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन इसको हमने बिल्कुल रेड कर लेने हैं। ये प्याज जो है हमारे गोल्डन हो चुके हैं और अब आप देख रहे हैं कि ये प्याज जो है हम डिश में निकाल रहे हैं। ये देखिए,
हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम उसी ऑयल में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा भूनेंगे हम। उसके बाद अब हम डालेंगे ये चिकन। हमने चिकन डाली है, चिकन हमारी जो है हल्की फ्राई हो चुकी है। अब हमने जो मिक्सचर बनाया था ये अब हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसको हल्की सी आंच पर रख देंगे ताकि मसाला जो है भुन जाए, और अब हम इसको ढक देंगे। ये जो हमने प्याज जो है फ्राई की थी आप देखिए ये ऐसा हो चुका है। प्याज हमने फ्राई की थी तो ये देखिए इसका मिक्सचर ऐसा हो चुका है। इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद ये देखें अब हमने जो ये पीसी थी प्याज, अब हम जो है कोरमे में हम जो है मसाले में हम इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसको अच्छी तरह से हमने जो है मिक्स कर लिया है और अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये अब आप देख रहे हैं हमारा चिकन कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा चिकन कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। हम देखिए इसको निकाल रहे हैं। आज जो कि 11वीं भी है तो आज फातिया भी देनी है हम लोगों ने, तो फातिया की भी तैयारी हो रही है। हम लोगों ने जो है आज फातिया के लिए मैंने साधन निकाल लिया है। अब हम उसको ढक देंगे। ये देखिए ये जो है हमारे फातिया का कोरमा भी तैयार हो गया है, हमारी रोटी भी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब आप जब हम जो है इस पर फातिया देंगे तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।